आपने कभी बटरफ्लाई मिल्क को देखा है या इसके बारे में सुना है? जी हाँ, बटरफ्लाई मिल्क दरअसल जापान में एक ऐसा आदमी है जो कि तितली से भी उसका दूध निकाल लेता है। सबसे पहले ये ककून से छोटे बटरफ्लाई के निकलने का इंतजार करता है। फिर कुछ दिनों बाद जब ककून से तितली बाहर निकलने लगती है तो ये तितली को पकड़कर उसकी लोअर बॉडी को दबा देता है, जैसे उसका मिल्क निकल जाता है। और आपको बता दूं कि इस बटरफ्लाई मिल्क को पानी के साथ मिक्स किया जाता है क्योंकि ये दूध काफी गाढ़ा होता है और एक बटरफ्लाई 1 लीटर से भी ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। अगर इसे पानी में मिलाया जाए तो जैसे एक कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है क्योंकि ये दुनिया के सबसे महंगे लिक्विड में से एक है और इसकी कीमत लाखों में होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये मेल बॉडी में इनफर्टिलिटी को दूर करता है। वैसे आप में से किस किस को बटरफ्लाई पसंद है कमेंट करके बताओ। कुछ ऐसे जानवर जो पंछी तो नहीं है लेकिन फिर भी उड़ सकते हैं। नंबर 1 कॉलियुगो। साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला ये जीव ना तो पक्षियों से कोई रिश्ता रखता है और ना ही इसका नाता फ्लाइंग लीमर से होता है। हालांकि ये लीमर जैसा दिखता जरूर है पर इनका थोड़ा बहुत रिलेशन चमगादड़ों से होता है। लेकिन पक्षी ना होने के बावजूद भी अपने पैरों से जुड़े वेब लाइट पंखों की मदद से काफी दूर तक उड़ सकते हैं। नंबर 2 फ्लाइंग फ्रॉग। जंगलों में पाया जाने वाला ये मेंढक अपने शिकार पर झपटने के लिए 2 से 3 फीट नहीं बल्कि 50 फीट तक हवा में ग्लाइड करते हुए छलांग लगा सकता है। नंबर 3 पैराडाइज ट्री स्नेक। दोस्तों यह है उड़ने वाला सांप। असल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए यह सांप छलांग लगाता है और जैसे ही ये नीचे आने वाला होता है तो ये अपनी बॉडी को फ्लैट कर लेता है, जिस वजह से ये हवा में एक बार में 25 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है। ये कीड़ा अपने शिकार के ऊपर ग्लू से हमला करता है जिसके बाद इसका शिकार वहीं चिपक जाता है और वो जरा भी नहीं हिल पाता, जिसके बाद ये उसे आसानी से अपना भोजन बना लेता है। इस कीड़े को वेलवेट वॉर्म कहा जाता है जो कि सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। फैक्ट नंबर 2 वॉलरस एक ऐसा जीव है जो कि जमीन और पानी दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है और इसकी चलने की रफ्तार काफी धीमी होती है लेकिन इसके बावजूद भी ये इंसानों से काफी तेज दौड़ सकता है। फैक्ट नंबर 3 देखो, जब एक मकड़ी अपने पुराने कवच से बाहर निकलती है तो वो कुछ इस तरह लगती है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, इस डरावने पक्षी का नाम पोटो है जो कि अजीबोगरीब आवाजें भी निकालता है। इसे आप उल्लू का छोटा भाई भी कह सकते हैं। वैसे क्या आपने कभी इस बर्ड को देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। एक समय ऐसा आता है जब कुछ जानवर लगातार कई दिनों और महीनों तक सोते रहते हैं, यहाँ तक कि ये खाने और पीने के लिए भी नहीं उठते, तो फिर ऐसे में ये जानवर जिंदा कैसे रह पाते हैं? देखो, जब सर्दी का मौसम आता है तब भालू लगातार 3 महीनों तक सोता ही रहता है। जहाँ नॉर्मली भालू का दिल 1 मिनट में 50 बार धड़कता है, वहीं अब सोते वक्त उसका दिल 1 मिनट में 8 बार ही धड़केगा। और टर्टल्स की भी कई प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो कि 150 से 200 दिनों तक बस सोते ही रहते हैं और ऐसे में वो अपने मुँह से सांस भी नहीं लेते बल्कि ये मिट्टी के नीचे अपनी स्किन के जरिए सांस लेते हैं और सोते वक्त इनकी भी दिल की धड़कन 10 मिनट में केवल 1 बार ही धड़कती है। दरअसल इस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहा जाता है, जिसमें कई सारे जानवर एक लंबे समय के लिए सो जाते हैं। ऐसे में ना तो उनको भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। ऐसे जानवर जो कभी भी बूढ़े होकर नहीं मरते। नंबर 1 लॉबस्टर। ये उम्र के साथ कभी बूढ़े नहीं होते बल्कि उम्र के साथ इनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। दरअसल लॉबस्टर के शरीर में एक तरह का एंजाइम पाया जाता है जो लॉबस्टर के डीएनए को बचाकर रखता है, जिस वजह से ये बुढ़ापे के कारण कभी नहीं मरते, हालांकि उनकी मौत का कारण इंसान या बीमारी हो सकती है। नंबर 2 लंगफिश। दोस्तों, अफ्रीका में पाई जाने वाली ये मछली 5 साल तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकती है। ये मछली तालाब के सूख जाने के बाद अपने आप को बड़ी ही आसानी से जमीन में गाड़ लेती है और बारिश आने के बाद वापस मिट्टी से बाहर निकल जाती है और बहुत लंबे समय तक ये ऐसा कर सकती है, जिस कारण ये बहुत लंबी जिंदगी जीती है। और तो और, पानी सूख जाने के बाद ये जमीन पर भी चल सकती है। नंबर 3 जेलीफिश। दोस्तों, जेलीफिश को कभी ना मरने वाला जीव कहा जाता है जो कि कभी भी नहीं मरती और जब ये बूढ़ी होने लगती है तो अपने लाइफ साइकिल को उल्टा कर देती है, जिससे ये वापस अपने चाइल्डहुड में आ जाती है। दोस्तों, ये है कुछ ऐसे पेड़ जिनकी तरफ सांप खींचे चले आते हैं। भूलकर भी आप इन्हें अपने घर के आसपास मत लगाना। नंबर 1 जैस्मिन यानी चमेली का पेड़। चमेली का पेड़ बेशक खुशबूदार होता है लेकिन खुशबूदार होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा घना होता है, जिसके अंदर सांप अपने आप को बड़ी ही आसानी से छिपा सकता है। नंबर 2 लेमन ट्री। दोस्तों, संतरे या नींबू के पेड़ के पास चूहे और छोटे पक्षियों का बसेरा होता है, इसलिए उनका शिकार करने के लिए सांप इनके आसपास मंडराते रहते हैं। नंबर 3 सैंडलवुड ट्री यानी चंदन का पेड़। वैसे तो इन पेड़ों को हर कोई नहीं लगा सकता लेकिन चंदन के पेड़ खुशबूदार होने के साथ साथ काफी ठंडक भी देते हैं, इसीलिए सांपों को इन पेड़ों से लिपटने में काफी मजा आता है और सांप हमेशा चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। वैसे आपने अपने घर में कौन सा पेड़ लगाया है कमेंट करके जरूर बताना।